हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप एलिमिनेट रैंडम ब्लॉकिंग रिसोर्सेज को कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसे अगर आप रिमूव कर देंगे अपनी वेबसाइट से या फिक्स कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड काफी हद तक फास्ट होने वाली है। इसे मैं फिक्स करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर 1 या 2 और इससे ज्यादा भी URL देख सकते हैं। जब भी आप अपने ब्लॉक को या पेज को इंडेक्स पेज स्पीड इनसाइट पर ले जाते हैं और सर्च करते हैं इसकी स्पीड, तो यहाँ पर ये आता है एलिमिनेट रैंडम ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके दो मेरे में दो आ रहे हैं, आपके में ज्यादा भी आ सकते हैं। आपको किसी एक को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने ब्लॉगर पर। ब्लॉगर पर आपको एडिट HTML पर चला जाना है। फिर आपको यहाँ पर Ctrl+F पर क्लिक करना है और सर्च करना है। देखिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, इसके कुछ वर्ड्स आप सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स ही सर्च कर रहा हूँ, CSS यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। और देखिए ये आप मैच कर सकते हैं, जो यहाँ पर हाईलाइट हो गया, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये हो गया हाईलाइट। आपको इस कंप्लीट लाइन को सिलेक्ट करना है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके में एक आएगा कोई। देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसे कट कर देता हूँ। डिलीट पर हमें बटन पर क्लिक कर देना अपने कीबोर्ड पर और फिर से कट कर देनी है कुछ लाइन्स जो यहाँ पर एक्स्ट्रा थी। अब आप इसे सेव कर लीजिए। अब आपको जाना है व्यू ब्लॉक पर और देख लेना आपके ब्लॉग में कोई चेंजेस तो नहीं हो गए हैं। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा ब्लॉग ये सैंपल ब्लॉग है, एज इट इज है। अब आप जैसे ही दोबारा इसे इंडेक्स करेंगे, देखिए मैं दिखा देता हूँ पेज स्पीड साइड में, जब आप दोबारा से इसकी स्पीड चेक करेंगे तो एक एरर सॉल्व हो चुका होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे जैसे ही मैं गया तो यहाँ पर रेंडर ब्लॉकिंग एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग लिखा हुआ, देखिए जो मैंने डाला था वहां पर वो हट चुका है यहाँ से। अब सेम मैनर में इसे भी हटा देना है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्पीड में कितना अंतर आता है, कितनी ज़्यादा हमारी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी इसे रिमूव करने के बाद। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए मैं एडिट HTML पर गया, आपको अच्छे से करना है लेकिन इसे, नहीं तो आपकी थीम भी खराब हो सकती है अगर आप HTML में कुछ गलती करते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ फॉन्ट ऑसम यहाँ पर लिखा हुआ है और हम मैं एंटर मार दूंगा इतना ही लिख के। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे आ चुका है, तो आपको मैच कर लेना कि ये बिल्कुल उसी जैसा है कि नहीं। तो मैं रीड कर लेता हूँ, थोड़ी से लाइन्स मैच कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। तो आपको कंप्लीट लाइन को रिमूव कर देना है, इस वर्ड बस को रिमूव नहीं करना, पूरी लाइन ही को रिमूव कर देना है। देखिए मैं पूरी लाइन को रिमूव कर देता हूँ, अब मैं सेव कर देता हूँ। इसे सेव करने के बाद अब हम व्यू ब्लॉक पर जाएंगे और फिर से देख लेंगे कोई चेंजेस तो नहीं हो गए, हमारी थीम खराब तो नहीं हो गई इस चेंजेस की वजह से। तो देखिए कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आया है। अब जैसे ही हम पेज स्पीड इनसाइट पर दोबारा जाएंगे और यहाँ पर स्पीड चेक करेंगे तो देखिए 95 मेरी स्पीड हो चुकी है, 85-86 थी मेरी स्पीड, अब 95 हो चुकी, काफी हद तक फास्ट हो गई हमारी वेबसाइट। और यहाँ पर देखिए एलिमिनेट रैंडम ब्लॉकिंग यहाँ से हट चुका है। अगर आपको 3-4 भी आए तो आप ऐसे ही सेम मैनर में सर्च करके कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे उस वर्ड को कॉपी नहीं करना है, आपको कुछ शब्द मतलब कुछ उसके CSS और फॉन्ट जैसे मैंने लिया था उसे ही सिर्फ सर्च करना है। तो कुछ इस तरह से आप लोग एलिमिनेट रैंडम ब्लॉकिंग को अपनी वेबसाइट के पेज स्पीड इनसाइट से हटा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, से ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए ID चैनल सब्सक्राइब करने, साथ साथ बल वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और अगर आपको रिमूव जावास्क्रिप्ट वगैरह जैसी इनके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए हो, इन्हें कैसे रिमूव करें अपनी वेबसाइट से ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड और फास्ट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा।